इसलिए कि वह नमाज को पढ़ कर वजल अपने दतम मिनन्नास तहवील और इंसानों के कुलूब को उनकी तरफ फेर दे। कल इस पर गुफ्तगू हो रही थी।
यदि अर्थ किया जा चुका है कि इमाम बहक नातिक सादिक आले मोहम्मद आदाब ज़ियारत की तलकीन करते हुए जब नजफ की ज़ियारत को लिखवाया है तो वजाहत के साथ ये जुमला आ गया कि जब अमीर मोमिनीन के सरहाने खड़े होकर सलाम करो सैयदुश्शहदा पर तो ये कहो कि फ़ज़ल-ए रसूल अल्लाह ने इंसानों के दिलों को आपकी तरफ रागत कर दिया। वो जाला अपने गतम मिनन्नास तहवी इलैक तुम्हारी तरफ इंसानों के दिल फेर दिए गए। तो चूंकि मासूम ने इस आयत को इस तरह से सर्फ किया इस वास्ते ऐसा मालूम होता है कि करबला की बस्ती भी इब्राहिम के पेश नजर रही है। और अजब नहीं इस मजाज वादी गैर जीजर इन में हकीकत करबला हो। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। रसूल का घराना जमीन करबला पर वारिद हो गया। बचपन से आप इस लफ्ज को सुनते आए हैं करबला, उम्रें गुजर गई सुनते सुनते करबला। बड़ी जाज़बियत है इस लफ्ज, बड़ी कशिश है इस लफ्ज। दोस्तों के लिए यह लफ्ज मखनातीस है, मखनातीस से मोहब्बत। करबला, नैनवा, मारिया, सत्यफुरा, गाजरिया, ये सब एक ही बस्ती के नाम है। और यहीं आके औलाद इब्राहिम ने, औलाद इस्माइल ने, सुलाले अंबिया ने और खुलासे रुसुल ने यह तय किया कि अब इसको आबाद करेंगे। मेरी जबान से सिर्फ एक जुमला निकलेगा और वो जुमला इसका हक रखता है कि उसको आप महफूज रख लें। वो जुमला ये है कि दूसरी को हुसैन पहुंचे, दसवीं को घर उजड़ गया, कुल आठ दिन ये काफिला वहां रहा। आठ दिन की बस्ती भी कोई बस्ती होती है? आठ दिन की आबादी भी कोई आबादी होती है? आदमी किसी सरा में ठहरे तो महीनों ठहर जाए, ये आठ दिन के अंदर ऐसी क्या बात हुई कि मुसाफिर पहुंचे भी और वो जमीन आठ दिन में उजड़ भी गई मगर रह गई करबला, रह गई करबला। और इतनी आबाद हुई करबला कि सदहा बरस हो गए मगर सब किए दिमागों में, सब के दिलों में, सबके शऊर में, नस्लम बाद नस्लिन व जैलम बाद जैलिन व कबीलम बाद कबीलिन
करबला जारी वो सारी है। आपने गौर किया, करबला का जिक्र अगर उस वक्त होता जब कई हजार बरस की बस्ती थी, कहीं कई सदियां गुजर चुकी थी, जैसे मदीना है, मक्का है, तारीख अरब में ये बड़े कदीम मकामात हैं, आज तक जबान जद खास व आम है। करबला की बात कुछ और है, बात ही कुछ बाकी रखे हैरत। करबला मीनाए मोहब्बत है, करबला काबे हकीकत है, करबला मस्जिद अंबिया है, करबला वादागाह रसूल है, करबला ख्वाब मोहम्मद की ताबीर है, और करबला दुआए जहरा का नतीजा है। करबला पर आ गए हुसैन दूसरी को, मगर आते ही पहली मर्तबा सानिया जहरा ने पूछा, भाई ये कैसी जमीन है? जब से हम इस जमीन पर पहुंचे, जब हवा चलती है मिट्टी यहां की उड़ती है और सकीना के सर पे गिर जाती है। ये कैसी जमीन है कि यहां की गर्द सकीना के सर पे जमती है? कहां हां ज़ैनब, ये हमारा मक्तल है, यहां हम अपने बच्चों के साथ अपनी कब्रें मनाने वाले। ऐलान भी हुआ, बच्चों को यकीन भी दिला दिया कि यहां से जाना नहीं है। करबला करबला जियारत गाहे अहले इरफान है, करबला सारे ईमान वालों की दुआओं का खुलासा है कि परवरदिगार मौत ना आए जब तक करबला ना देख ले, है ना? यही बात, परवरदिगार करबला एक मर्तबा देख ले अपनी आंखों से। औरतों की यही तमन्ना है, अजीजों की यही तमन्ना है, मर्दों की यही तमन्ना है, एक मर्तबा देख ले कि कैसी बस्ती बसाई हुसैन ने। बनी असद को बुला के कहा, जमीन तुम्हारी है, मैं खरीदूंगा। हाथों को जोड़ के कहा, परसों के रसूल ये जगह भी कोई खरीदने के मालिक आप हैं, ये आप ही की जमीन है मौला, मगर हमारा तजुर्बा ये है कि कहीं और जाकर यके में नज़्म किए जाएं तो बेहतर है। मौला यहाँ हर आने वाले ने जहमत उठाई है, यहाँ हर आने वाले ने तकलीफ उठाई है। मौला बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हर नबी को यहाँ तकलीफ हुई है, मौला कहीं और खेमे डालिए, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, मोहम्मद की नवासियां साथ हैं, ऐसा ना हो बनी असद की इज्जत बाहर पा जाए और कोई बात हो और हम मदद न कर सकें। इरशाद फरमाया, तुम्हारा काम ये नहीं है, बताओ जमीन बेचोगे? फर्जंदे रसूल अगर हुक्म है तो ये हाजिर है, ये रुपया क्यों तय किया जाए? फरमाया, नहीं अब्बास, 60,000 दिरहम दे दो, 60,000 दिरहम दे दो करबला की जमीन की कीमत, ताकि कोई बाद में ये न कहे कि हुसैन दूसरों की जमीन में दफन हो गए, ताकि कोई बाद में ये न कहे कि फरजंदे रसूल ने इस बात का ख्याल नहीं किया। हम अपनी जमीन चाहते हैं जहां अपने जिगर के टुकड़ों का दफन करें। करबला की जमीन को खरीद लिया और कहा, बनी असद बड़ी दुश्वारियां आने वाली हैं, बड़ी दुश्वारियां आने वाली हैं, फौजें यूं भी पीछे पीछे हैं, हम जानते हैं कि तुम मदद न कर सकोगे, लेकिन जंग में मदद न करने का फैसला हमको मंजूर है, एक बात सुनोगे? हमारे मरने के बाद ये मुमकिन है कि तुम हमको दफन कर दो? फर्जंदे रसूल, खुदा न करे कि वो वक्त आए
मगर हमारी जाने भी हाजिर हैं। फरमाया खैर देखा जाएगा। अच्छा अच्छा तुम्हारी औरतों को बुलाओ। औरतें पर्दे के साथ अपने बुर्कों में मलबूस आईं तो कहा फातिमा का बेटा तुमको खिताब कर रहा है, अगर तुम्हारे मर्द तसाहुल करें तो तुम अपनी गैरत का वास्ता देना और इनसे कहना इनके ये मोहम्मद के घर आने की लाशें पड़ी हुई हैं, इनको दफन कर दो। और उसके बाद एक मतलब बच्चों को जमा करने के लिए हुक्म दिया। जब बच्चे आए तो कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप मजबूरियों की बिना पर दफन न कर सके तो खेलते खेलते तुम एक एक मुट्ठी मिट्टी हमारी लाशों पर डाल देना। और उसके बाद कहा बनी असद ये जमीन हमने तुमको फिर वापिस कर दी, जमीन हमने खरीदी तो थी मगर फिर वापिस कर दी, मगर इस शर्त पर कि हमारा जव्वार तुम्हारा मेहमान रहेगा। कहीं उसको ये ख्याल न गुजरे कि हम आका के लिए आए थे और कोई मेजबान नहीं है। कहीं उसको ये ख्याल न गुजरे कि हमारी मेहमानी के फराइज कौन अदा करेगा। करबला दूसरी मुहर्रम हम भी सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, हमारे बाप दादा भी सुन रहे हैं, सुनते हुए गए और हमारी नस्लें भी सुनती हुई जाएंगी और आएंगी। मगर बात यह है करबला और दूसरी मुहर्रम ये दो जुमले कोई फातिमा से पूछे, कोई जहरा से पूछे कि हर तरफ से आवाज आ रही है किसी बीबी के बहन की कि जमीन करबला खबरदार मेरे बच्चे आ गए। करबला कितनी बेताल्लुक गुजर रही है दुनिया, बेताल्लुक गुजर रही है दुनिया। किसी को क्या खबर है कि दूसरी मुहर्रम को यह काफिला पहुंच रहा है, किसी को क्या खबर है कि करबला की क्या अहमियत है। वही रवा रवी है, वही जिंदगी की मसरूफियतें हैं, वही रोजमर्रा का मामूल है, जरा बराबर भी फर्क नहीं है कि दूसरी मुहर्रम की तारीख से क्या तब्दीली हो जाती है। दूसरी मुहर्रम यानी तीसरी का चांद, दूसरी मुहर्रम यानी तीसरी का चांद, नाकों से उतरते उतरते सैदानियों ने चांद देखा, सैदानियों ने चांद देखा, तीसरी का चांद देखा और करबला की जमीन पर देखा। अब रहती दुनिया तक और से वहम करती है कि हम तीसरी का चांद न देखें, हम तीसरी का चांद न देखें, ज़ैनब ने देखा था तीसरी का चांद घर जा गया।